नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के पांचवें दिन बीजेपी के चार विधायकों को निलंबन मुक्त कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के चारों निलंबित विधायकों का निलंबन वापस लिया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने निलंबित विधायकों का निलंबन वापस कर उन्हें सदन में लाने की अनुमति विधानसभा अध्यक्ष से मांगी थी। दीपक बिरुआ और कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला को उन चार विधायकों को सदन में बुलाने के लिए नामित किया गया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही बीजेपी के चार विधायकों को विधानसभा में निलंबित किया गया था और आज उनका निलंबन वापस कर लिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मदन जुड़ चुके हैं विधानसभा से। मदन, विधानसभा की कार्रवाई का आज पांचवा दिन है और जो बीजेपी के चार विधायक निलंबित हुए थे, आज उन्हें निलंबन उनका मुक्त करा दिया गया है। क्या कुछ अभी माहौल है विधानसभा के अंदर? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई जो है वो हंगामे के को देखते हुए जो है स्थगित कर दिया गया है 12:50 बजे तक के लिए। लेकिन आज की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो विधानसभा जब अध्यक्ष पहुंचे विधानसभा, तो उसके बाद बीजेपी के तमाम विधायक जो है उनके कक्ष के समक्ष धरने पर बैठ गए थे, चार विधायकों के निलंबन की वापसी को लेकर के। फिर उसके बाद विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने ये कहा कि इनके निलंबन जो है वो वापस ले लिया जाए। उसके बाद स्पीकर ने ये घोषणा कर दी कि चारों विधायकों के निलंबन वापस किए जाते हैं, वो सदन की कार्रवाई में अब भाग ले सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला और जेएमएम के विधायक दीपक बिरुआ को अधिकृत किया गया कि वो तमाम चारों विधायकों को सदन की कार्रवाई में शामिल कराने के लिए आए। फिर जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, उसके बाद बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो वेल में उतर कर गो तस्करी के खिलाफ जो है हंगामा करते हैं और सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हंगामे को देखते हुए विधानसभा स्पीकर ने फिलहाल 12:50 तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। धन्यवाद मदन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के चारों विधायकों का निलंबन वापस कर लिया गया है। कुछ दिन पूर्व उन्हें विधानसभा में निलंबित कर दिया गया था। और हम लोग जो पहले नहीं था कि उपार्जन पोर्टल में नगर परिषद के क्षेत्र में पढ़ने वाले किसानों को भी एमएसपी का फायदा देने के लिए आदेश निकाला गया है, अब व्यवस्था की गई। तो माननीय सदस्य संतुष्ट हैं, इससे आगे कुछ बोलना नहीं है। माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी, माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी, बिरंची नारायण जी, माननीय सदस्य, आपका सवाल है, आपका सवाल है, दोषी पर कार्रवाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ा सवाल झारखंड में जो गौ हत्या हो रहा है महोदय, उस पर रोक का है। सबसे बड़ा सवाल जो गौ तस्करी हो रही है झारखंड में, और सरकार का खुलेआम संरक्षण है महोदय, जो संध्या टोपनो है उसके हत्या की सीबीआई जांच करानी चाहिए महोदय। झारखंड में जो विधि व्यवस्था का संकट है, सबसे बड़ा सवाल वो है, जो उग्रवादी गतिविधियां बढ़ी है, सबसे बड़ा सवाल वो है। पूरक नहीं पूछेंगे महोदय, आज सबसे बड़ा सवाल पूरक नहीं पूछेंगे, जो पिछली सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया।